दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का हुशियारपुर पहुंचने से हलका इंचार्ज ब्रह्म शंकर जिंपा की अगुवाई में आप वर्कर ने उन्हों का स्वागत किया। श्री सिसोदिया पहला मानवता मंदिर में आयोजित प्रोग्राम में पहुंचे और उन्होंने मंदिर में मत्था टेकया और मंदिर के इतिहास बारे जानकारी हासिल की। इस तो उपरांत वह होटल में आयोजित प्रोग्राम में पहुंचे जिथे उन्होंने व्यापारियों और उद्योगपतियों से गलबात की और उन्हों की समस्यावां सुनियां। उन्होंने व्यापारियों और उद्योगपतियों को भरोसा दिया कि आपकी सरकार आने पर उन्हों की सारी समस्यावां का हल किया जाएगा। उपस्थित होशियारपुर के और आसपास के सभी व्यापारी, उद्योगपति, शिक्षाविद, शिक्षक और तमाम साथी लोग, आम आदमी पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण, हमारे जिंपा जी, आज सबसे पहले तो जिंपा जी के साथ स्कूल में जाने का मौका मिला और बड़ा अच्छा, बहुत ऊर्जा है वहाँ स्कूल में, बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। आप में से कई साथियों ने बिजनेस की बात कही, कुछ ने एजुकेशन की बात कही, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था और मेरे दिमाग में जो आप सब लोगों की बात सुन के रिएक्शन आ रहा था वो यही था कि जी आपको समस्या भी पता है और समाधान भी पता है। आप लोग वो लोग हो, होशियारपुर या पंजाब के वो लोग हैं जिनको समस्या का तो आकलन है ही, समस्या तो बहुत लोगों को भी पता होती है लेकिन समाधान भी पता है। अधिकतर लोगों ने यहाँ जो बात रखी समस्या के रूप में, साथ साथ उसका समाधान भी दिया है कि भाई समाधान इस डायरेक्शन से निकलेगा और यही अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति है। केजरीवाल जी ने पिछले 7 साल में दिल्ली में उनके नेतृत्व में जो सरकार चली है, अगर आप मुझसे पूछें कि भाई दिल्ली में इतना काम क्यों हो पाया या दिल्ली में सफलता का राज क्या है, कि केजरीवाल जी की यही राजनीति है कि पहले जिसको आता है उसको साथ ले लो, उससे समझ लो। जरूरी नहीं है कि हर चीज हमें आती है, समस्या लीडर होने के नाते सामने से दिखती है ही, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर चीज हम कर लेंगे, हमें समाधान आता है। पर इस समाज में, संसार में, देश में, शहर में समाधान वाले लोग बैठे हैं, उनको इज्जत से पूछो तो सही क्या चाहिए, समाधान कैसे होगा। जैसे दिल्ली में शुरुआत की, प्रिंसिपल साहब ने दिल्ली का जिक्र किया। अब दिल्ली में कई चैलेंजेस थे, उद्योगपतियों के, व्यापारियों के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि 7-7, 8-8 घंटे दिन में बिजली गायब रहती थी। अब अरविंद केजरीवाल जी मैकेनिकल इंजीनियर तो थे पर इलेक्ट्रिकल तो नहीं थे, बिजली घर तो नहीं चलाया था उन्होंने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चलाए थे। सत्येंद्र जैन अच्छे आर्किटेक्ट थे लेकिन बिजली के विशेषज्ञ नहीं थे कि भाई बिजली के इंजीनियर कैसे काम करेंगे, लेकिन दिल्ली में बिजली के एक्सपर्ट मौजूद थे। उनके साथ अरविंद केजरीवाल जी ने, सत्येंद्र जैन जी ने, पावर मिनिस्टर ने सत्येंद्र जैन जी, दिन रात काम किया, सारी समस्याओं को समझा, जिनके पास समाधान था, जो एक्सपर्ट थे उनको इज्जत दी, इज्जत से अपने साथ बुलाया, बिठाया, काम किया, उनकी समझ को तवज्जो दी। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है और बिजली दिल्ली में बनती नहीं, आज भी बनाने तो कमी हो गई है और जो छोटे मोटे थे वो भी पावर पॉल्यूशन के चक्कर में बंद करने पड़ते हैं। आज 24 घंटे बिजली आ रही है। हम सरकारी स्कूल की बात करें, पूरे देश में मान के चल रहा है देश, देश की तमाम सरकारें, नरेंद्र भाई ने जिक्र किया कि पॉलिटिशियन सोते रहे, सिर्फ नरेंद्र भाई, देश के पॉलिटिशियन इंडस्ट्री को लेकर नहीं सोए, एजुकेशन को लेकर भी सो गए। देश के पॉलिटिशियन देश भर के सोते रहे, धीरे धीरे करके यहाँ एक बड़ी पीढ़ी बैठी है जो 40-50-60 साल की उम्र के लोग हैं, जिन्होंने स्कूल से, अपना गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करके आगे बढ़े हैं, लेकिन आज किसी का कॉन्फिडेंस नहीं है देश में कि हम अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा लें। गवर्नमेंट स्कूल की हालत नीचे गिरती चली गई। 2015 में जब हम सरकार में आए तो हमसे खुल के कहा गया, मजाक मत करो, राजनीतिक बयानबाजी ठीक है, सरकारी स्कूल तो ऐसे ही है। मैंने जब सरकारी स्कूलों में जाना शुरू किया और ऐसे ही बच्चों से बात करते हैं तो हम कहते ही हैं कि भाई बच्चे तो देश का भविष्य होते हैं, बच्चे तो देश का भविष्य होते हैं। तो एक बच्चे ने मुझे सरकारी स्कूल में रोक के कह दिया, सर आप कह रहे हो सरकारी स्कूल में, मतलब उसने बोला, सर आप कह रहे हो हमारे, हम देश का भविष्य हैं, हम देश का भविष्य थोड़ी है, देश का भविष्य तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, हम तो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। ये थॉट था, ये एक्सेप्टेंस में आ गया था कि सरकारी स्कूल नहीं सुधर सकते, लेकिन एजुकेशन को जानने वालों के साथ, टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल के साथ, सबके साथ बैठे, अपने घर पे बिठाया, उनके घर बैठा, स्कूल में जाके बैठा कई कई घंटे, एजुकेशन को समझने वाले लोगों के साथ बैठे, आज देखो दिल्ली के सरकारी स्कूल सारी जगह चमक रहे हैं, आज सब चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जिसको आता है उसको इज्जत दे दो,
जो कर सकता है उसके साथ खड़े हो जाओ जाके। आज आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनको पता है समाधान क्या है, इंडस्ट्री का समाधान क्या है, फाइनेंस का समाधान क्या है, शिक्षा का समाधान क्या है। पंजाब का मॉडल और दिल्ली का मॉडल ऐसा थोड़ी है कि दिल्ली में जो जो किया उस पहले दिन जो दिल्ली में किया उसको यहां कर देंगे, दूसरे दिन जो किया उसके कॉपी पेस्ट नहीं होगा। समाधान तो यहीं से निकलेगा और समाधान आपके पास है, लेकिन दिशा दिल्ली से निकलती है, प्रेरणा दिल्ली से निकलती है। 7 साल में अगर दिल्ली में सरकारी स्कूल ठीक हो सकते हैं तो पंजाब में भी हो सकते हैं। जो भी चीज आज असंभव लगती है, किसी समय चलना भी असंभव होता होगा, किसी समय हवा में उड़ना भी असंभव होगा, अगर उन वैज्ञानिकों ने ठान लिया होता कि वे बिजली नहीं बन सकती तो बनी नहीं सकती थी। किसी ने ठान लिया होता कि कोविड की वैक्सीन नहीं आ सकती तो आई नहीं सकती थी, आ गई ना। तो आज पंजाब के साथ खड़े होके पंजाब के लोगों को, हमको, पंजाब के पॉलिटिशियंस को, लीडर्स को, बिजनेस लीडर्स को, सबको अंदर एक विल पैदा करनी होगी कि हो सकता है और करके दिखाएंगे। और बात फिर वही जो नरेंद्र जी ने कही कि जब लीडर्स सोते रहें तो जनता को जाग के ऐसे लीडर्स को चुनना होगा जो जाग रहे हैं, सो नहीं रहे। समाधान वहां पे है। सर, आपने बजट की बात कही। जब सरकार में मैं 2015 में वित्त मंत्री बना तो हमारे सामने, अरविंद केजरीवाल जी के सामने भी सबसे बड़ी चुनौती बजट ही थी। दिल्ली का बजट सर रिकॉर्ड है, 29,600 करोड़ रुपए था उस साल में जिस साल में हमारी सरकार आई थी। अब 29,600 करोड़ में से हमने झांक के देखा, भाई ये बजट जा कहां कहां रहा है, तो 24,000 करोड़ रुपए तो तनख्वाहों पे जा रहा था और कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट थे, कोई सड़क बन रही, कोई पुल बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, कोई कुछ कुछ कर रहा है, 4-5 हज़ार करोड़ रुपए उसमें जाने थे। हमारे हाथ में इकन्नी नहीं थी हम ये खर्च कर सकें कि अपनी मर्जी से दिमाग लगा के कि यहां खर्च करें। 2015 में बैठे इकोनॉमिस्ट के साथ बैठे, व्यापारियों के साथ बैठे, दुकानदारों के साथ बैठे, इंडस्ट्री जो बंद हो रही थी, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर दिल्ली में तो अलग तरीके के इंडस्ट्री सेक्टर है वो बंद हो रहा था, उनके साथ बैठे 1-2 महीने, बैठ के खूब बात की, खूब चर्चा की, खूब समझा, और जो जो व्यापारियों ने सुझाव दिए, जो जो उनकी तरफ से समाधान निकल के आया उनको लागू किया। आज उसी दिल्ली का बजट जहां 30,000 करोड़ का, मान लो 29,600 करोड़ था प्रिसाइजली, पर 30,000 करोड़ का बजट था और उसमें से 24,000 करोड़ रुपए कर्मचारियों की तनख्वाह में जाते थे, आज दिल्ली का बजट 5 साल के अंदर अंदर 60,000 करोड़ रुपए हो गया, केवल 5 साल के अंदर अंदर। आज तो 70,000 करोड़ रुपए हो गया है और 32,000 करोड़ रुपए तनख्वाह में जाते हैं, बाकी सब दिल्ली के डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं, वेलफेयर पे खर्च करते हैं। लेकिन कहां से आ गया ये पैसा, कैसे आ गया? अभी तो जीएसटी लागू है, वेट रिजीम में हम आए थे, जब वेट था हम व्यापारियों के साथ बैठे, आप में से अधिकतर लोग व्यापारी वर्ग के लोग हैं, इंडस्ट्रीस्ट हैं, व्यापार को समझते हैं, हम व्यापारियों के साथ बैठे, बताओ भाई देखो सरकार को टैक्स चाहिए लेकिन हम टैक्स बढ़ाना नहीं चाहते। अरविंद केजरीवाल जी IRS ऑफिसर रहे हैं, टैक्सेशन को बहुत अच्छे से समझते हैं, उनको बताया कि टैक्स बढ़ाने से कभी सरकार का टैक्स नहीं बढ़ता, टैक्स रेट बढ़ाने से, लेकिन आप बताओ। व्यापारियों ने भी कहा कि जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आप टैक्स कम करो, आप टैक्स कम करो। आज की तारीख में किसी आदमी को 100 रुपए की चीज खरीदनी होती है, आप कहते हो 118 रुपए, 218 रुपए टैक्स दो, उसका मन करता है 100 रुपए में ले लेता हूं। आप 5% टैक्स करो, 100 रुपए की चीज 105 में खरीदने वाले ज्यादा मिल जाएंगे, 100 रुपए की चीज 118 में लेने वाले कम होंगे। सिंपल सा है। हमने ऑफिसर से डिस्कस किया, लार्जली ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेसी हमारे देश में हमारे बीच से निकल के जाते हैं, हमारे ही पढ़ाई लिखाई बच्चे हैं, लेकिन काम करने का तरीका थोड़ा कन्वेंशनल है। बोले नहीं जी, अगर टैक्स रेट कम कर दोगे तो सर तनख्वाहें देनी मुश्किल हो जाएंगी, देख नहीं रहे हो, बड़ा नेक टू नेक मामला है। हम फिर व्यापारियों के साथ बैठे, भाई इसका कोई सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा, हम तो सहमत हैं इस बात से। तो व्यापारियों ने कहा कि सर एकदम मत करो, आप ऐसा करो एक आइटम पे करो और हम गारंटी दे रहे हैं आपको कि आपका टैक्स कम नहीं होगा उस आइटम पे। हमने सारे रिकॉर्ड विकॉर्ड निकलवा के रखे, मैं यहां जो बात कह रहा हूं बहुत फैक्चुअल कह रहा हूं और सारी चीजों के दस्तावेज विधानसभा में, बजट में, मीडिया में, गूगल पे मौजूद हैं कि 2015 में सर जब पहला बजट दिया तो व्यापारियों के सुझाव पर दिल्ली में सबसे पहले टिम्बर पे टैक्स कम किया, वैट का रिजीम था, अभी तो जीएसटी में तो बहुत सारी चीजें बदली हैं, वैट का रिजीम था, टिम्बर पर वैट 12% से घटा के 5% कर दिया व्यापारियों के कहने पे। कन्वेंशनल थिंकर्स की मानते तो वो 12% से 5% बजट आने के बाद कम से कम आधा टैक्स हो जाना चाहिए था और हमें कहा गया देख लेना सर आधा हो जाएगा टैक्स कलेक्शन।
लेकिन साथियों ये भरोसा हमारा और हमारे व्यापारियों के बीच का था, 1% पिछले साल से ज्यादा टैक्स इकट्ठा हुआ, 1% ज्यादा कलेक्शन हुआ। इसने हमारा भी हौसला बढ़ाया, व्यापारियों का भी बढ़ाया और ऑफिसर्स का भी बढ़ाया, वैट कमिश्नर का भी बढ़ाया। और अगले साल फिर से कह रहा हूं, रिकॉर्ड है मेरी बजट स्पीच, मिल जाएगी गूगल पे भी, दिल्ली विधानसभा में रिकॉर्ड है, अगले साल 44 आइटम्स पे 12% से उठा के 4% टैक्स कर दिया, 12.5% से धीरे 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 करके, फिर तो जीएसटी रिजीम में आ गए। जीएसटी रिजीम व्यापारी जानते हैं, जीएसटी रिजीम में टैक्स कभी बढ़ा नहीं सरकारों का, लेकिन क्योंकि दिल्ली में एक अलग तरीके का माहौल चल गया था, धीरे धीरे करते 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 करते, और केंद्र सरकार से हमें 325 करोड़ रुपए मिलते हैं, केंद्र सरकार से तो एक पैसा नहीं मिलता सर। हर जगह की परिस्थितियां अलग होंगी निश्चित रूप से। दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ रुपए से 70,000 करोड़ रुपए पहुंचाया आज, पंजाब का बजट आज भी 1,68,000 करोड़ रुपए थमा हुआ है। क्यों? दिल्ली की जीडीपी पिछले 5 साल में 13% के रेट से बढ़ी है, 5 साल में। पंजाब की जीडीपी 5.5% के रेट पे बढ़ी है। दिल्ली की पर कैपिटा इनकम आज नेशनल पर कैपिटा इनकम से, एवरेज इनकम से 3 गुना हो गई है, 3 गुना। पंजाब की आज भी 1,15,000 रुपए कुछ ऐसी है, मैं देख रहा था कहीं 1,15,16,000 रुपए है, नेशनल 1,35,000 है, दिल्ली की 3,54,000 रुपए है। जबकि जब हम चैलेंजेस, सर देखिए सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, सॉल्यूशन स्वीकार करने पड़ेंगे, सॉल्यूशन को बैठ के करना पड़ेगा कि हमें सॉल्व करना है और सॉल्व हो सकता है। दिल्ली में भी है सर प्रॉब्लम, दिल्ली में 30% झुग्गियां रहती हैं जहां बामुश्किल आदमी दिहाड़ी मजदूरी कमाता है। दिल्ली में और 40% अनऑथराइज कॉलोनीज हैं जहां लोग 12-12, 5-5, 10-10, 20-20, 30-30 गज के प्लॉट में रहते हैं, 3-3, 4-4 मंजिलों के मकान में 3-3, 4-4 फैमिलीज रह रही होती हैं 20-20 गज के मकान में। उस सबके बीच से दिल्ली की अर्थव्यवस्था को आगे लेके आए हैं भरोसे के साथ, क्योंकि जो व्यापारी है, जो टैक्स पेयर है। और दूसरी चीज जो व्यापारियों ने सुझाई कि सर ये जो आपका सेल टैक्स डिपार्टमेंट है ना, ये जब हमारे घरों में आता है, हमारे दफ्तरों में आता है, तो सरकार के लिए टैक्स लेके नहीं जाता, अपने लिए लेके जाता है, इसको रेड राज को बंद कर दो। 2015 से दिल्ली में रेड राज ऑफिशियली बंद है। किसी सरकारी वेट इंस्पेक्टर को, एक्साइज इंस्पेक्टर को, एमसीडी के, लेबर के, एमसीडी तो अभी दिल्ली में हमारे हाथ में नहीं है, लेबर के इंस्पेक्टर को, दिल्ली सरकार के जितने विभाग हैं, स्वास्थ्य विभाग के इंस्पेक्टर को, किसी को ये पावर नहीं है कि वो दफ्तर में बैठा बैठा उठे और किसी दुकानदार के पास जाए, ला भाई ये चेक करा, नहीं है पावर। उसको पहले परमिशंस लेनी पड़ेंगी, परमिशंस से पहले उसको लिख के रिकॉर्ड पे देना पड़ेगा। और आजकल तो हमने सारा वैट में तो सब जीएसटी में सब कंप्यूटराइज हो गया है, अदरवाइज भी कंप्यूटराइज कर रखा है। जब तक सॉलिड रीजन ना हो विद अप्रूवल ऑफ हायर अथॉरिटीज, कोई इंस्पेक्टर अगर उठ के गया किसी दुकानदार से, ये कहा ये चेक करा, उसके ऊपर कार्रवाई कर देते हैं। तो जो इंटरवेंशन है, बिजनेसमैन बिजनेस चलाना चाहता है, व्यापारी व्यापार चलाना चाहता है, इंडस्ट्री इंडस्ट्री चलाना चाहता है, एक तरफ तो पॉलिटिकल इंटरवेंशन बहुत है पंजाब में, नेता बताते हैं भाई हमारा शेयर कितना डाल दे, और बाकी जब मेहनत करके कमा रहा होता है तो इंस्पेक्टर आके कहता है हमारा शेयर कितना है, उसके बाद व्यापारी क्या कमाएगा और क्या सरकार को देगा और क्या नौकरियां लगाएगा। इसलिए दिल्ली में इकोनॉमिक ग्रोथ का एकमात्र कारण है ईमानदार पॉलिटिक्स, विजनरी पॉलिटिक्स, एक पॉलिटिकल विल। और उसका नतीजा है कि दिल्ली में ना एजुकेशन पे खर्च करने की कमी पड़ी कभी, ना हेल्थ पे खर्च करने की कमी पड़ी। जो भी अरविंद केजरीवाल जी योजना सोचते हैं, जो भी लोग उनसे कहते हैं, उसको लागू करते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा है। 5,000 करोड़ रुपए के गैप में सर क्या खेलते हैं हम? लेकिन आज हम दिल्ली में जैसे जनता कहती है कि भाई ये जरूरत है, वैसे उस हिसाब से चलते हैं, क्योंकि फिर ईमानदारी से टैक्स आया, ईमानदारी से टैक्स आया तो सर ज्यादा पैसा आता है। टैक्स रेट कम किया, 24 घंटे के व्यापारियों को बिजली दी, बहुत सारी और योजनाएं लागू की, मैं एक एक चीज पे नहीं जाऊंगा, लेकिन एक चीज है अरविंद केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की जो यहां कई लोगों की बातों में रिफ्लेक्ट हुई कि आज भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे अकाली हो या कांग्रेस हो, इनके पास पॉलिटिकल विल नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी के पास पॉलिटिकल विल है। करके दिखाएंगे, करेंगे, हिम्मत है, पॉलिटिकल कमिटमेंट है, करेंगे, लड़ेंगे, थोड़ा नया सीखने को मिलेगा, और नया सीखने को मिलेगा। करेंगे ही नहीं, सोचेंगे ही नहीं, पहले से मान के बैठ जाएंगे जी हो नहीं सकता, फिर तो कभी नहीं हो सकता।
दुनिया का इतिहास गवाह है कि जिस जिस राज्य में, जिस जिस शहर में, जिस जिस प्रदेश में, जहां जहां भी दुनिया भर में, जहां जहां लीडरशिप की एक पीढ़ी ने खड़े होकर कमान संभाल ली कि नहीं करेंगे, पूरी जनरेशन खड़ी हो जाती है उसके साथ में, चलो करेंगे, रुकते नहीं है। आज दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम गवाह है। मैंने थोड़ी बदलाया जी एजुकेशन सिस्टम, वहां के टीचर्स ने बदला है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी खड़े हुए, पूरी की पूरी सरकार खड़ी हुई। आज दिल्ली का टीचर कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा हुआ है कि हम कर रहे हैं, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा हुआ है। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो मतलब दिल्ली, आज अरविंद केजरीवाल जी जो बात कर रहे हैं, वो चाहे महिलाओं को 1,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, ऑटो वालों की मदद के लिए बात कर रहे हैं, बाकी लोगों की मदद, ये सब कहीं ना कहीं बिजनेस की खुशहाली से इनका रास्ता निकल के आएगा। बिजनेस की खुशहाली नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है, और बिजनेस की खुशहाली का एकमात्र राजमार्ग ईमानदार राजनीति और कमिटेड राजनीति से चल के जाता है, जो अरविंद केजरीवाल लेके आते हैं इस देश के राजनीतिक धरातल पे। मैं बहुत उम्मीद के साथ यहाँ आया हूँ कि आप में से यहाँ जितने बिजनेसमैन बैठे हैं, इस बात को आगे कन्वे करेंगे, आगे लेके जाएंगे कि भाई एक बार दिल्ली के व्यापारियों की तरह, दिल्ली के लोगों की तरह अरविंद केजरीवाल को आजमा के तो देखो, आप हमेशा के लिए बीजेपी और कांग्रेस को भूल जाएंगे, अकालियों को भूल, हमेशा के लिए। 3 बार ऐसे ही थोड़ी चुन लिया। और कैसे करते हैं, सरकारों में बैठे लोगों ने अपने अपने हिसाब से व्यापारियों को दुखी करने के तरीके बना रखे हैं। कई तरह के एफिडेविट होते हैं जो व्यापारियों को अपना व्यापार आगे बढ़ाने के लिए, दुकान खोलने के लिए, फैक्ट्री करने के लिए, कोई नई चीज करने के लिए करने पड़ते हैं। अब मैं मनीष सिसोदिया, मेरा नाम, मैं कोई फॉर्म अप्लाई करूं, भले ही वो बाबू वहां बैठा हुआ मेरे को जानता भी हो, बोलेगा नहीं जी एफिडेविट दो। अच्छा जी चलो दे देते हैं। कहां से मिलेगा एफिडेविट? वहां जाओ कचहरी में, वहां बाहर बैठा होगा एक, है ना, वो उसको 50 रुपए उसकी जो भी फीस होती है, लीगल फीस है वहां, उतनी फीस दो, फिर मैं अपना नाम पे ठप्पा चाहे मनीष सिसोदिया पे लगवा जाऊं, या अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से लिखवा के लाऊं, मैं अटल बिहारी वाजपेयी हूं, कुछ भी कर सकता हूं। फीस ही तो देनी है उसकी, फीस देके उसके बाद में वो जानता है मेरे को, मैं मनीष सिसोदिया हूं, फिर भी वो मेरे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम के एफिडेविट को ले लेगा, जो एफिडेविट है फर्जीवाड़ा। और वो एफिडेविट ना दूं तो किसी सरकारी खिड़की पे जाके रिश्वत दे दूं, दलाल बाहर बैठे हुए। अब व्यापारी दलाली देगा या अपना धंधा चलाएगा काम करने वाला आदमी? इसलिए ये नियम बनाया, और दिल्ली का इतिहास गवाह है सर, 454 तरह के एफिडेविट अरविंद केजरीवाल जी ने एक झटके में खत्म कर दिए। नहीं जरूरत है इनकी, आदमी अपने सिग्नेचर करके देगा, फॉर्म भरेगा, कोई जरूरत नहीं है 454 तरीके के। उससे जिंदगी आसान होती है। आपको छोटा सा काम कराना हो कोई, आपको सरकारी दफ्तर में खिड़की पे जाना पड़ता है, पहले अपने बंदे को भेजो, बंदे की नहीं चले तो आप मिलो जाके, अफसर से मिलो, फिर से लाइनों में लगो, और आपको भी पता है, सबको पता है कि मिलने मिलाने से काम होता नहीं, बाहर दलाल से मिलो काम हो जाता है। अरविंद केजरीवाल जी ने इस चीज को समझा और बोले खिड़कियां बंद करो पहले। आज दिल्ली में 120 तरह की सर्विसेज जो व्यापारी चाहता है, जो आम आदमी चाहता है, अपना सर्टिफिकेट, अपने पेपर्स, प्रॉपर्टी के पेपर्स, गाड़ी के, व्हीकल के, तमाम तरह के लाइसेंसेस, फायर से लेके तमाम तरह के, दुनिया भर के लेबर डिपार्टमेंट के बहुत तरह के लाइसेंसेस, पेपर, सर्टिफिकेट्स, बहुत तरह की सर्विसेज लेने का काम, 140 तरीके की सर्विसेज लेने का काम दफ्तरों में नहीं जाना पड़ता। आप 1076 पे फोन करिए, 1076 पे फोन करके कहिए जी मैं फलां फलां बोल रहा हूं, मैं फलां फलां हूं, मुझे फलां काम चाहिए, आपकी फलां सर्विस चाहिए, फलां सर्टिफिकेट चाहिए। सरकार का बंदा आपके घर आएगा, आपके बताए हुए टाइम पे आएगा, वो बताएगा कि जब मैं आऊंगा तो ये कागज रेडी रखना, अपना कंप्यूटर लेके आएगा, अपना प्रिंटर लेके आएगा, फोटोकॉपियर, और आपसे फोटोकॉपी भी नहीं मांगेगा, सारा स्कैन करके लेके जाएगा, अपने आप फॉर्म भरेगा और ऑनलाइन या घर पे आपका सर्टिफिकेट डिलीवर करके जाएगा, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। 140 तरह के सर्टिफिकेट हैं, देश में कहीं नहीं हुआ। और सर बोले, केजरीवाल जी बोले कि जब ये 1076 बहुत बढ़िया चल रहा है, ऑनलाइन सर्विसेज बहुत बढ़िया चल रही है, तो इसी काम को करने के लिए खिड़की क्यों खुलवाते हो? तो सरकारी दफ्तरों की खिड़कियां बंद कर दी गई, उनको ताला लगा दिया गया, बोले अब यहां लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन करा लो या 1076 पे करा लो, क्योंकि यही दलाल बैठते हैं, खिड़कियों पे दलाल बैठते हैं, या तो बंदा घर करके आएगा, और सबसे बढ़िया सर्विस चल रही है, गरीब से गरीब आदमी, अमीर से अमीर आदमी, अपनी तमाम सर्विसेज, आपको गाड़ी की डुप्लीकेट कॉपी करवानी है, आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, आपका बंदा घर में आएगा, आपके बताए टाइम पे आएगा, सारे पेपर लेके जाएगा, स्कैन करके फॉर्म भरेगा, और फिर आपके घर में डिलीवर करके जाएगा 50 रुपए फीस पे।
500 रुपए दलाली के देने होते थे जिस चीज के लिए। इससे व्यापारी की जिंदगी आसान हो रही है, इससे वहां के आम आदमी की जिंदगी आसान हो रही है। तो मैं इसलिए कि एक विजनरी गवर्नमेंट हो, एक सोचने वाली गवर्नमेंट हो, सोचने वाला मुख्यमंत्री हो, सोचने वाली पार्टी लीडरशिप हो, तो उसके बाद में तो ये होगा ही होगा। आज पंजाब में उसी की जरूरत है। पंजाब का व्यापारी भी सफल कर सकता है चीजों को। और टैक्स कहां से आएगा? पंजाब का व्यापारी देगा, लेकिन देगा तो तब जब उसकी खुशहाली होगी। एक तरफ पॉलिटिकल इंटरवेंशन, एक तरफ ब्यूरोक्रेटिक इंटरवेंशन, और ऊपर से जो पॉलिसीज की आप बात की, सेज चला गया वहां पे। ऐसी पॉलिसीज, चलो सेज नहीं है, सेज तो चला गया, वो बीते दौर की बात हो गई, कुछ और चीजें बन सकती हैं। हमने दिल्ली में दो तीन चीजें शुरू की हैं, और दिल्ली सरकार ये जानते हुए, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ये जानते हुए कि व्यापारी पूरे के पूरे देश की तरक्की में कितनी भूमिका निभाएगा। एक दिन अरविंद केजरीवाल जी, मैं और सत्येंद्र जैन जी बैठे हुए थे, बड़ी अच्छी बात निकल के आई, अभी दो मिनट में उस बात को कहूंगा। हम लोग बचपन से पढ़ते हैं जी, हमारा देश छठी सातवीं आठवीं में पढ़ा होगा, हमारा देश डेवलपिंग कंट्री है। तीन तरह के देश होते हैं, डेवलप्ड कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री। हमारा देश, मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मेरे को पढ़ाया जाता था इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। आज मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, उसको भी पढ़ाया जा रहा है इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। मैं जब बच्चा था, स्कूल में था, तो मैं पूछता था, बताओ जी इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, तो डेवलप्ड कब बनेगा? तो मुझे समझाया जाता था, चिंता मत करो, पॉलिसीज बहुत बढ़िया चल रही है, 10 साल में हो जाएगा। अभी मेरा बच्चा पढ़ रहा है, हम उसको भी समझा रहे हैं, 10-12 साल में डेवलप हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, जब तक सरकार अपने व्यापारियों के प्रति ईमानदार नहीं होगी और अपनी एजुकेशन के प्रति ईमानदार नहीं होगी, इंडिया कैन नेवर बी ए डेवलप्ड कंट्री। इंडिया कैन ओनली बी ए डेवलप्ड कंट्री जब देश की सरकार, देश की राजनीति, शिक्षकों के प्रति ईमानदार हो और व्यापारियों के प्रति ईमानदार हो। व्यापारी व्यापार करेगा, नौकरियां क्रिएट करेगा। कोई नेता खड़ा होकर जितना चुनावी भाषण दे ले, मैं रोजगार दूंगा, मैं रोजगार दूंगा, मैं रोजगार दूंगा, अगर वो व्यापार को बढ़ावा नहीं देगा, रोजगार नहीं दे सकता। झूठ बोल रहा है, हवाबाजी कर रहा है। लेकिन व्यापार को बढ़ावा देगा तो रोजगार अपने आप होंगे, कोई रोक नहीं सकता उसको। हमने आज दिल्ली, आपने देखा होगा, थोड़ा बहुत आप तक पहुंची होंगी सूचनाएं, दिल्ली के स्कूलों से हम व्यापारी निकाल रहे हैं। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में हम एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट कैरिकुलम पढ़ा रहे हैं। 11वीं और 12वीं के बच्चों को हम सीड मनी दे रहे हैं कि अगर आपके मन में कोई, वहां से एक युवा साथी ने बोला कि नई एज की इंडस्ट्री चाहिए, आपने बोला सेज नहीं, अब तो सेज का दौर चला गया, नई एज की इंडस्ट्री चाहिए। नई एज की इंडस्ट्री कहां से निकल के आएगी? जिस आदमी ने पहले लोहे की खराद की इंडस्ट्री लगाई है, उसके पास उतना इनोवेशन नहीं आएगा, लेकिन उसके बच्चे के पास आएगा। उसका बच्चा स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहा है, हम उसको वहां से पकड़ रहे हैं, क्या हो भाई, नया सोचते हैं। आज हम, मेरे पास 11वीं और 12वीं में 3.5 लाख बच्चे हैं। हमने 3.5 लाख बच्चों को 11वीं और 12वीं क्लास के चुनौती दी है कि अगर आपके पास कोई अपना बिजनेस आइडिया है, कुछ नया करना चाहते हो, नए तरीके से करना चाहते हो, लेके आओ, सरकार सीड मनी देगी। 3.5 लाख बच्चों के लिए 60 करोड़ रुपए की सीड मनी दी है, देश में किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। और 60 करोड़ रुपए की सीड मनी का कॉन्फिडेंस आते ही हमारे बच्चों ने इतना शानदार शानदार आइडियाज बिजनेस के निकाले हैं, जो चीज हम नहीं सोच सकते थे, जो चीज आप नहीं सोच सकते, वो हमारे बच्चे सोच सोच के ला रहे हैं। 51,000 बिजनेस आइडियाज पर बच्चों ने अपनी अपनी छोटी छोटी टीम्स बना के काम करना शुरू किया है, और सरकार इसको हवाबाजी में नहीं ले रही है। इसलिए बात इसका जिक्र किया, स्कूल की प्रोजेक्ट की बात नहीं है, बात यह है कि इन 51,000 बच्चों में से जो टॉप बच्चे होंगे, टॉप आइडियाज होंगे, उनको हम दिल्ली में प्रगति मैदान में या त्यागराज स्टेडियम में उनका फेयर लगाएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, और आप जैसे बड़े बड़े लोगों को कहेंगे, आओ नई इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करो, नए जमाने की इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करो। सरकार ने 60 करोड़ रुपए का दिया है, मुझे पूरा यकीन है कि कई हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उसमें आएगा जैसे जैसे एक दो साल में। और यही नहीं छोड़ रहे, अभी आपने बोला, किसी ने बोला भी नई बच्चों को कैसे और बढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं कैसे आगे ले जाके, यही नहीं छोड़ रहे। ये बच्चे जो बिजनेस आइडिया डेवलप कर रहे हैं, इन बच्चों को आगे ले जाके जब और टॉप बच्चे निकलेंगे जिनके इनोवेटिव सक्सेसफुल आइडियाज होंगे, जो करके दिखाएंगे, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, IGDTUW, NSUT, नाम सुना होगा, IP यूनिवर्सिटी, इन सारी यूनिवर्सिटीज देश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, इन सब यूनिवर्सिटीज में सीट क्रिएट करवा दी हैं कि आपको इस कंपटीशन से टॉप आने वाले बच्चों को भी लेना है। ये JEE का एग्जाम, CAT का एग्जाम आप अपने तरफ लेते रहना, लेकिन डायरेक्ट एंट्री इन बच्चों को देनी है। आज हमारा बच्चा जो अच्छा इनोवेशन काम करेगा बिजनेस ब्लास्टर बनके, उसको सीधे DTU में एंट्री पढ़ने के लिए मिल जाएगी, तो वहां से वो बच्चा निकल के जाएगा ना। वहां से कोई ऐसी इंडस्ट्री निकाल के लाएगा जैसे कोई फेसबुक ले आता है, जैसे कोई ट्विटर ले आता है, जैसे नए जमाने की इंडस्ट्री ले आता है। वो पंजाब में करना है, वो पंजाब कर सकता है।
पंजाब के नई इंडस्ट्री, पंजाब की नई सोच, पंजाब की इंडस्ट्री को नई सोच देनी पड़ेगी 21st century की सोच के लिए। उसके लिए फिर वही है, नेता सोए नहीं, नेता जागे और दुनिया में क्या हो रहा है उसको देख के आगे लाए। एक और चीज शुरू की है हमने अपने स्कूलों में, और यहाँ के फैमिली वाले कई लोग कह रहे हैं ना कि निकल जा रहे हैं बच्चे, हमने अपने कॉलेजेस में शुरू किया है सर, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में। मैं करोलबाग के व्यापारियों के साथ बैठा हुआ था, व्यापारियों ने मुझसे कहा जी आप पढ़ा रहे हो, अच्छा पढ़ा रहे हो, अच्छी बात है, पर ये बताओ आप पढ़ा लिखा के इन बच्चों को कनाडा में नौकरी कराने के लिए थोड़ी गिफ्ट करने के लिए दे रहे हैं। हम अच्छा पढ़ाते हैं, हम करते हैं, उसके बाद कनाडा को अमेरिका को गिफ्ट कर देते हैं, ले जाओ जी हमारे देश का टैलेंट ले जाओ, ऐसे कैसे चलेगा। बोले हमने इंडस्ट्री शुरू की, रेस्टोरेंट चेन शुरू की, फलाना व्यापार शुरू किया, हमने तो पूरी पीढ़ी ने मेहनत लगाई इसको सक्सेसफुल बनाने में, हमारा बच्चा हुआ पढ़ लिख के जा रहा है मैं तो जी कनाडा में जाके एक रेस्टोरेंट में नौकरी करूंगा, मैं तो नहीं करता यहाँ पे, ऐसे कैसे चलेगा जी, ये तो क्या फायदा है। करोलबाग के व्यापारियों ने मेरे सामने रखा, मैंने अपने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से बात की, हमारे में यहाँ फिर DTU में दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में फैमिली बिजनेस नाम का एक कोर्स शुरू किया गया, MBA फैमिली बिजनेस, MBA इन फैमिली बिजनेस में हम व्यापारियों के बच्चों को MBA कराते हैं, और उस कोर्स का डिजाइन रखा गया है कि भाई 30% तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होगी और आपकी पढ़ाई का 70% आपकी फैमिली बिजनेस में होगा, आपको वहां समय लगाना है। और आज वो जूता व्यापारी हो, रेस्टोरेंट चेन का मालिक हो, कोई रिटेल स्टोर वाला हो, कोई मैन्युफैक्चरर हो, कोई ट्रेडर हो, सबके बच्चे, यहां तक कि हिमाचल प्रदेश में कोई एंटीक आर्ट का बिजनेस करती है महिला, में कॉलेजेस में जाके बच्चों से मिला, उनकी बेटी भी आ जाके, क्योंकि उसको भी बिजनेस में MBA करना है फैमिली बिजनेस में, वो कह रही है मैं भी अपनी मम्मी का बिजनेस आगे बढ़ाऊंगी। ऐसे ऐसे लोगों के बच्चे आके कर रहे हैं क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है सोसाइटी में, तरीके सो के नहीं चलेगा, दुनिया की यूनिवर्सिटी आगे निकल गई। आज यूनिवर्सिटी के कुछ साथी आए, रंजीत भाई आए, मुझे बड़ा दुख हुआ ये जान के। आप एक तरफ देखो, हम कह रहे हैं कि 3 घंटे की परीक्षा में कोई बच्चा अगर कंपटीशन दे के आ रहा है, प्रैक्टिकल करके, बिजनेस करके, आइडिया डेवलप करके आने वाले बच्चों को उन्हीं के बराबर मानो और वहां पे सीट सिक्योर करो। आज इन्होंने इतने सारे पेपर लिख रखे हैं, आज इन्होंने इतनी सारी किताबें लिख रखी हैं, ये देश की एजुकेशन का असेट है, और हम कह रहे हैं नहीं नहीं तुम असेट नहीं हो, तुम 22 साल के एक बच्चे के बराबर में बैठो, 3 घंटे रटने की परीक्षा दो, उसके बाद हम मानेंगे तुम कुछ हो कि नहीं हो। मैं इस बात से बिल्कुल असहमत हूं, ये कोई तरीका नहीं है अपने हरोगों को रखने का। आपको देश के टैलेंट, आपको देश के एक्सपीरियंस की कदर करनी पड़ेगी, और सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा। मैं अभी थोड़ा सा और समझ लूंगा इस मसले को, मैं इस पूरी लड़ाई में आपके साथ हूं, पूरी सरकार आपके साथ में, आम आदमी पार्टी इसके साथ में, और अरविंद केजरीवाल जी का तो ब्लैंक चेक रहता है इस पे कि कहीं भी एक्सपीरियंस टैलेंट उसको बेकदर मत होने दो, बिल्कुल साथ में आपके इस बात पे। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लास्ट में यही बात कहूंगा कि जो व्यापारी वर्ग व्यापार के बारे में बात करता है कि हमारी ये समस्या है, उसके हाथ में समाधान है, बस सरकार को ऐसा चाहिए कि सरकार उसके साथ बैठ के सुन ले, सरकार उसके सुझाए रास्ते पर चाहे पहले पायलट करके देख ले, हो सकता है किसी सरकार का मन ना मान रहा हो, एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा हो, पायलट करके देख ले, पायलट करके देखेगी तो पता चलेगा कि जो व्यापारी ने सुझाया था वो सुझाव ज्यादा अच्छा था बनिस्पत किसी नेता के मन में या किसी अफसर के मन में जो सुझाव आ रहा था उससे ज्यादा अच्छा व्यापारी का दिया हुआ सुझाव था। पंजाब की आगे आने वाली सरकार, आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार, व्यापारियों की समस्याओं के समाधान व्यापारियों के नजरिए से निकालेगी, यही मैं कहकर जा रहा हूं, और वो हमने दिल्ली में करके दिखाया है, पंजाब में करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपने इतना समय लगाया, आपने यहाँ मेरे लिए इतनी प्रतीक्षा की, थैंक यू वेरी मच। द स्टेलर न्यूज़ ले हरपाल लाडा के नाल कैमरामैन जतिंदर पिंस की रिपोर्ट।